अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ससुराल वालों को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो ये मटन ग्रेवी रेसिपी बना के खिला दीजिए। सीरियसली आपकी बहुत तारीफ होने वाली है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ले लिया है मटन, इधर हम फटाफट करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, बहुत ही इजीली बन जाता है। फिर खड़े मसाले लेंगे, तेज़पत्ता, फूल, जावित्री और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ये मैंने आधा कटोरी ऐड किया क्योंकि हमारा मटन जो है 1 किलो है। और फिर यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। फिर टमाटर पेस्ट ऐड कर देना है। प्याज मैंने 4 लिया है, टमाटर मैंने यहाँ पर 4 लिया है। अब कुछ यहाँ मसाले लेंगे, जैसे लिया मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये ऐड कर देना है आपको। और फिर 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करी हूँ और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। हल्का सा तेल ऐड कर देना है, इसे मिक्स कर लेंगे और पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर देंगे। पानी आप ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी रख दीजिए। और फिर इसे कुकर में ढक्कन लगा के आप इसे 6-7 सीटी होने देंगे ताकि आपका जो मटन है अच्छी तरीके से गल जाए। तो जैसे कि 6-7 सीटी हो चुकी है, हमारा मटन इधर ऑलमोस्ट गल ही चुका है। अब आएंगे इसका तड़का देंगे, तड़के में ही जान है तो आपको तड़का बहुत ज़बरदस्त देना है। तेल ऐड करना है, फिर इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, प्याज थोड़ा सा क्रीम कलर का होगा। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची कट करके। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे हमें सोवा सब्ज़ी जो होती है वो ऐड करने का है। सोवा मैंने कट करके ऐड किया है, अच्छे से धो के फिर ऐड करना है। फिर सोवे को अच्छी तरीके से 2 मिनट पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से नरम ना हो, बिल्कुल इस तरीके का। और फिर इसके अंदर हमें मटन ऐड कर देना है और फिर इसे हल्के हाथ से चलाना है और फिर इसे 2 मिनट तक पकने देना है ताकि जो तेल है वो ऊपर आ जाए। तो देखिए बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो 2 मिनट पका के आपको इसे बंद कर देना है और फिर आपको इसे 10 मिनट के बाद सर्व करना है, क्योंकि जो इसका सब जो टेस्ट है वो आपको अच्छे से मिल पाएगा। धनिया ऐड कर देंगे आप और फिर इसे सर्व करेंगे। लीजिए आपकी मटन ग्रेवी रेडी हो गई है। तो अपने ससुराल में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, रिश्तेदार मेहमान कोई भी आएगा तो आप उसके लिए भी बना दीजिए, बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही मज़े का लगता है खाने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि कैसी है ये रेसिपी, बहुत ही मज़े की रहती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।